जनरली हम लोग जब फिटनेस की बात करते हैं तो सामान्यतः हम लोग हमारे चेस्ट, हमारे पेट, हमारे बाइसेप, हमारे शोल्डर, इन्हीं की बात करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और वी कैन से कि थ्रू आउट लाइफ हम पूरे जीवन भर हमारे साइड पार्ट को इग्नोर करते हैं, पर त्रिकोण आसन में ये पूरा कंसंट्रेट आपके बॉडी के साइड पार्ट पे करता है और यह आपकी बॉडी को बहुत सुंदर और सुडोल बनाने का काम करता है। तो आइए सीखते हैं त्रिकोण आसन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम स्वप्निल वर्मा, आई वेलकम्स टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लाइफ हेल्थी ज़ोन। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन को त्रिकोण आसन क्यों कहा जाता है? यह स्टैंडिंग पोजिशन का एक आसन होता है और जब हम इसकी फाइनल पोजिशन में आते हैं तो हमारी बॉडी से पूरा एक त्रिकोण, एक त्रिभुज का आकार बन जाता है और ये बहुत ही इफेक्टिव और बहुत अच्छा आसन है, खासकर हमारे शरीर के साइड पार्ट के लिए बहुत अच्छा आसन है। त्रिकोण आसन करने के लिए दोनों पैरों को मिलाकर सीधी अवस्था में खड़े हो जाएं। उसके बाद हम हमारे दोनों पैरों को फैलाएंगे, कम से कम दोनों पैरों के बीच में 3.5 से 4 फीट का गैप होना चाहिए। हमने हमारे पैर को फैला लिया है। पैर को फैलाने के बाद अब हमें राइट साइड में करना है, तो पहले हम लोग राइट साइड के हील को रोटेट करेंगे, उसके पैर के पंजे को पूरा 90 डिग्री पर लेके जाएंगे। आप पैरों की पोजीशन देखिए, पहले 90 डिग्री के एंगल पे इस तरीके से उसको मोड़ लेंगे और जो हमारा लेफ्ट लेग है उसकी एड़ी को हम मोड़कर पंजे को 45 डिग्री के एंगल पर ऐसे लेके आ जाएंगे। ये मेरे पैर का पंजा 90 डिग्री पे जा रहा है और ये मेरा 45 डिग्री पे जा रहा है। फिर से आर्म्स को फैलाएंगे, आर्म्स को फैला के थोड़ा सा फॉरवर्ड होंगे, वो फॉरवर्ड होने के बाद धीरे से हम हमारे पाम को हमारे पंजे के पीछे प्लेस करेंगे और जो हाथ ऊपर की ओर जा रहा है उसको ऊपर की ओर हमें उसी तरफ देखना है। इस समय आपके पैर के घुटने मोड़ना नहीं चाहिए, इसके स्ट्रेच रहने पर ही आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। हाथ को पीछे रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो आप हाथ को आगे भी प्लेस कर सकते हैं, आपको इजी पड़ेगा। त्रिकोण आसन एक हिप ओपनर योगा पोस्चर है। आप देख सकते हैं मेरे पैर, जांघ और कूल्हों की मांसपेशियों में कितनी हार्ड लेवल की स्ट्रेचिंग हो रही है और साथ ही साथ मेरी कमर में कितना शानदार ट्विस्टिंग मूवमेंट हो रहा है। आपके पैर के घुटने सीधे होने चाहिए और जो हाथ आपने जमीन पे रखा है उसी की सीधी लाइन में ऊपर की ओर आपका दूसरा हाथ होना चाहिए और आपकी गर्दन ऊपर की ओर मुड़ी हुई, जो हाथ ऊपर की ओर जा रहा है उसी की ओर देखना है। और अगर बिगनर है जिनकी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो मैक्सिमम बेंड नहीं हो पा रहे, तो वो हाथों को अपने पंजे पे भी यहाँ रख सकते हैं और फिर ऊपर की ओर देख सकते हैं। त्रिकोण आसन एक चेस्ट और शोल्डर ओपनिंग योगा आसन भी है जो कि कंप्लीट रूप से आपके लेटरल बॉडी पार्ट्स को टारगेट करता है, जो कि आपके शरीर के साइड भाग के फैट को घटाने में आपकी मदद करता है। आसन को छोड़ने के लिए धीरे से हम लोग हमारे बॉडी को लिफ्ट करेंगे, नॉर्मल पोजीशन में आएंगे, हाथों को साइड पर लेकर आएंगे और दोनों पैरों को जोड़ के खड़े हो जाएंगे। सेम एक्सरसाइज इसी तरीके से हम दूसरी तरफ करेंगे। तो लेफ्ट लेग की हिल को हम ट्विस्ट करके 90 डिग्री के एंगल पे लेके जाएंगे और जो पिछला पैर है हमारा उसको हम लोग लेके जाएंगे 45 डिग्री के एंगल पे और यहाँ पर इसको 45 डिग्री के एंगल पे इसके पंजे को रखेंगे, इसको 90 डिग्री के एंगल पे। धीरे से हम लोग अपने हाथों को फैलाएंगे, हाथों को फैलाकर धीरे से हमें थोड़ा आगे की ओर शिफ्ट होना, आगे की ओर शिफ्ट होके हमें ये हाथ हमारे पंजे के पीछे रखना है और पीछे रख के हमें दूसरा हाथ ऊपर की ओर लेके जाना है। इस समय आपकी पूरी बॉडी एक त्रिभुज के आकार की हो गई। आपका जो ये पार्ट होता है साइड वाला, इसमें आपको एक प्रेशर फील होगा, एक दबाव फील हो रहा है आपकी इंटेस्टाइन पे, आपके साइड ऑर्गन्स पे, आपके साइड पार्ट पे, और ये जो पार्ट है आपका ये पूरा आपको एक डीप स्ट्रेचिंग दे रहा है आपके साइड पार्ट पे, जिसमें आपका आपकी काफ मसल्स, आपकी हैमस्ट्रिंग्स, आपकी कॉर्डिसेप मतलब फ्रंट थाई और बैक थाई, आपकी ग्लूटियस जो कि आपकी हिप मसल्स है, आपका ये जो पूरा साइड का पार्ट है जो पूरा आपकी कमर से होते हुए आपके रिब्स तक आता है, उसके बाद आप इस हाथ को सीधे ऊपर की ओर ले जाते हैं तो आपके कंधे तक। चूंकि जब आप ऊपर देखते हैं तो आपकी गर्दन ट्विस्ट होती है, तो ये आपके सर्वाइकल पार्ट के लिए भी बहुत ही फायदेमंद आसन है। आसन को छोड़ने के लिए धीरे से हम लोग हमारी बॉडी को धीरे से ऊपर की ओर उठाएंगे। ऊपर की ओर उठाने के बाद
हम लोग हमारे हाथों को नॉर्मल अवस्था में लाएंगे और फिर दोनों पैरों को मिला लेंगे। अब जानते हैं त्रिकोणासन के फायदे। त्रिकोणासन बेसिकली आपके पैरों में बहुत ताकत डेवलप करता है, क्योंकि जब आप इसकी फाइनल पोजीशन में आते हैं तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेचिंग आपके लेग्स में देता है। लेग्स की आपकी जो काफ मसल्स है, आपकी जो हैमस्ट्रिंग ग्रुप ऑफ मसल्स जो कि आपकी बैक थाई मसल्स होती है, कार्डिसेप ग्रुप ऑफ मसल्स जो कि आपकी फ्रंट थाई होती है, इसमें एक बेहतरीन स्ट्रेचिंग डेवलप करता है, जिससे कि वहाँ पर स्ट्रेंथ डेवलप होती है। जितना भी फटिक और बैड एंजाइम्स वहाँ पर स्टोर्ड है जो कि आपके पैरों में थकान लाता है, उसे ये वहाँ से रिमूव करता है। आपके पैरों की थकान दूर होती है, पुरानी से पुरानी पीठ की अकड़न और पुराने से पुराना पीठ का दर्द ये दूर करने में बहुत एक्सपर्ट आसन है। और ये योगा ट्रेनर्स का एक पसंदीदा आसन होता है, क्योंकि ये एक ब्यूटीफुल पोज का निर्माण करता है। नीचे झुककर अपने पाम को जमीन पर रखते हैं तो आपके पेट के अंदर एक दबाव बनता है, आपके साइडवर्ड पार्ट पर एक दबाव बनता है। जब ये साइड में आप दबाव देते हैं तो आपके इंटेस्टाइन पे बेसिकली ये दबाव पड़ता है, आपके किडनी पार्ट पे दबाव पड़ता है। तो ये किडनी फंक्शन और इंटेस्टाइन हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है। किडनी के ठीक ऊपर एड्रेनल ग्लैंड होता है, एड्रेनल ग्लैंड के वर्क को भी स्टिमुलेट करता है ये। और जब हम हमारे हाथ को जमीन पर रखते हैं और दूसरे हाथ को हम ऊपर उठाते हैं तो ये हमारा शोल्डर ओपनिंग आसन हो जाता है, साथ ही साथ ये हमारा चेस्ट ओपन भी करता है। और जब हम हमारे हाथ को नीचे रखकर हमारी गर्दन की तरफ ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारी गर्दन में जो ट्विस्टिंग मूवमेंट आता है, ये हमारे सर्वाइकल पार्ट के लिए बहुत अच्छा आसन है। कुल मिला के ये आपके कंप्लीट साइड बॉडी के लिए, बैक बॉडी के लिए, आपके लेग्स में स्ट्रेंथ ताकत डेवलप करने के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। आपके पूरे शरीर में स्टेबिलिटी देता है, आपके तंत्रिका तंत्र को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, पेल्विक रीजन में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करता है और आपके पुराने से पुराने कंधे पीठ के दर्द को, वहाँ की अकड़न को ये दूर कर आपकी बॉडी को एकदम लाइट बनाता है। आपका पाचन तंत्र मजबूत करता है और एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है। चूंकि ये स्टेबिलिटी वाला आसन है, हमें इसमें बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, तो ये एक बैलेंसिंग आसन भी है। तो ये आपकी लाइफ में और आपके डेली रूटीन में भी एक बैलेंसिंग एक्ट का काम करती है। सीवियर लोअर बैक पेन, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम और कोई भी मेजर स्टमक की सर्जरी हुई हो, उन लोगों को इस आसन से करने के लिए बचना चाहिए। आज के लिए इतना ही, करते रहिए त्रिकोण आसन। लाइफ हेल्थिज्म में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।